सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर लेटेस्ट वीडियोस और उस घंटे को टनटनाते हुए जाइए। हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं MI का एक ब्लूटूथ स्पीकर जिसका नाम है बेसिस 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको फटाफट से बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बॉक्स के पीछे की साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल नंबर, वायरलेस कनेक्शन, ब्लूटूथ 4.0 और साथ ही साथ और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। साथ ही साथ एक बार कोड स्कैनर भी दिया गया है। बात करते हैं इसकी इस साइड की, तो यहाँ पर आपको MI का लोगो और सामने स्पीकर का एक लुक दिया गया है। अब इसे निकाल के देखते हैं बॉक्स से कि आपको कैसा लुक आपको इसमें मिलता है। तो गाइस, ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर MI का मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था करीबन 2500 रुपये में, और अभी तो इसका रेट और भी कम हो गया है, तो आप इसे 25 कर सकते हैं। तो चलिए इस बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो फर्स्ट इंप्रेशन गाइस, बहुत ही सुंदर ये है। स्टील का बॉडी दिया गया है, स्टील का बॉडी होने के बावजूद भी ये बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी पोर्टेबल लग रहा है। इसे आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पर आपको 4.2 वाला ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है। साथ ही साथ ये आपको 10 घंटे का पावर बैक देगा, आप आराम से गाने वगैरह बजा सकते हैं। बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाती है 1200 mAh की, और यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो मिलेगा कनेक्टिविटी का, वो आपको 10 मीटर का कनेक्टिविटी मिल जाता है। पावर वॉट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 2.5 पावर वॉट आपको मिलता है। बात करते हैं स्पीकर के पीछे की, तो यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है जिसे आप चार्ज कर सकते हैं, और एक ऑक्स केबल। जी हाँ, इसमें आप ऑक्स केबल भी लगा के गाने वगैरह अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और डिज़ाइन की तो बात ही मत पूछिएगा, इस डिज़ाइन बहुत ही सुपर प्रीमियम लुक देगा आपको यहाँ पे, और काफ़ी लाइट वेट भी है, तो आप इसे आराम से प्रेफर कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। तो चलिएगा, इसमें दिखा देता हूँ कि इसका जो है साउंड क्वालिटी किस तरह से है और आप इसे कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो ऊपर की तरफ बस पावर बटन है, उसे आप टैप करे रहें, ये 5 to 10 सेकेंड में ओपन हो जाता है। उसके बाद आपके मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा और वहाँ पर ये MI बेसिस का नाम आ जाएगा, बस उसे आप टैप करके। तो गाइस, टैप करने के बाद ये एक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद पता ही आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस म्यूज़िक का मज़ा लेना है। तो कुछ सैंपल्स वगैरह मैंने डाले हुए हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इसका जो साउंड है कैसा है। मेरे हिसाब से तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा, आप खुद ही देख लो। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और नीचे लाल कलर का बटन होगा उसके तोड़ते हुए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।